दोस्तों, कैप्टनसी की दावेदारी को लेकर अंकित और सुंबुल तौकीर खान के बीच हुई सबसे बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस डील से पूरे तरीके से अनजान है प्रियंका चाहर चौधरी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मान ले क्या हम कि अब घर में एक और मुद्दा उठने वाला है। जब सुंबुल और अंकित की कैप्टनसी को लेकर हुई डील पर प्रियंका की आंखें खुलेंगी और एक बार फिर से उनका सेल्फ ईगो हो जाएगा हर्ट। वेल, क्या है ये पूरी खबर और आखिर क्या डील हुई है सुंबुल और अंकित के बीच, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर बाहर बैठे हुए थे अंकित और सुंबुल। दोनों ही कैप्टनसी के भावी दावेदार हैं। दोनों ने ही टास्क जीतकर अपने आप को कैप्टनसी की रेस में आगे बढ़ाया है। अब ऐसे में दोनों आपसी सहमति से बात करते हैं कि दोनों कैप्टन अगर बनते हैं तो वो एक दूसरे से क्या काम करवाएंगे। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की कैप्टनसी में एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि घर के अंदर ये दोनों इकलौते ऐसे सदस्य थे जो घर की रैंकिंग में सबसे लास्ट में खड़े हुए थे। यानी कि 10th पोजीशन सुंबुल तौकीर खान का था, तो वहीं 11th था अंकित गुप्ता का। तो ऐसे में ये दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों में से जो भी घर का कैप्टन बनेगा वो दूसरे बंदे के पोटेंशियल को बाहर लाएगा। जहाँ एक तरफ सुंबुल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, वो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखाती, तो इसीलिए अंकित ये कहते हैं कि अगर मैं कैप्टन बना तो तुझे मैं घर के कामों का सुपरवाइजर बना दूंगा, तू एक एक चीज जाकर देखेगी ताकि तू हर जगह हर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाए। तो वहीं सुंबुल ये कहती है कि अगर मैं घर की कैप्टन बनी तो मैं तुम्हें ये काम दूंगी कि तुम घर में हर एक बंदे से बोलोगे, और जिसने मुझे आकर ये कहा कि अंकित ने मुझसे आज बात नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। वेल, वहीं पे ही कैप्टनसी के लिए होने वाले अगले टास्क को लेकर भी इन दोनों ने बहुत बड़ी डील की कि एक दूसरे को ये किस तरह से सपोर्ट करेंगे और किस तरह से ये बाकी लोगों के अगेंस्ट जाएंगे। वेल, ऐसी इस डील के बारे में प्रियंका को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि प्रियंका भी कैप्टनसी की रेस में इस बार आगे है। तो दोस्तों, जब प्रियंका को पता चलेगा इस बारे में तो क्या वो इस बात को मजाक में लेगी या फिर हो जाएगी अंकित से एक बार फिर से खफा? हमें अपने व्यूज कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।